कौसाम्बी के सिराही तहसील के कड़ा ब्लॉक की एक शिक्षक परिवार ने खुद से तैयार 21,000 मास्क वितरित कर कोरोना योद्धा की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। लॉकडाउन के हालात में शिक्षक परिवार के सराहनीय पहल की जनपद में लोग खुले दिल से प्रशंसा कर रहे हैं। कोरोना के चलते पूरा देश लॉकडाउन के हालात से गुजर रहा है। डॉक्टर, पुलिस और सरकार कोरोना से होने वाली जनहानि को कम से कम करने में लगे हुए हैं। सरकार के नुमाइंदे, राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन के लोग जरूरतमंदों को राशन और जरूरी सामग्री पहुंचा रहे हैं। सिराथू तहसील के सोरई बुजुर्ग गांव में रहने वाले एक शिक्षक परिवार अजय साहू और उनकी पत्नी राठौर शशि साहू ने कोरोना महामारी से गांव के गरीबों को बचाने के लिए 21,000 मास्क वितरित करने का संकल्प किया था, जिसको पूरा करते हुए हस्तनिर्मित 21,000 मास्क सरकारी, गैर सरकारी और ग्रामीण इलाकों में वितरित किया गया। यहां पर 1,000 मास्क बनवा रहे हैं महिलाओं एवं बालिकाओं से मास्क की जरूरत को देखते हुए, और प्रतिदिन ये मास्क 1,000 जो मास्क बनते हैं इन्हें बंटवाया जा रहा है। अजय साहू की मेहनत और लगन देख सिराथू तहसील के SDM राजेश श्रीवास्तव ने उनके मास्क को रेड जोन में घोषित गांव में निःशुल्क वितरित कराया। SDM सिराथू ने अजय साहू के इस कार्य की खुले दिल से प्रशंसा की है। शिक्षक परिवार ने लॉकडाउन की हालात में सबसे अधिक जरूरी मास्क को निर्मित करने के पीछे जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना था। गांव की ऐसी तकरीबन 3 दर्जन महिलाओं के हाथों में मास्क तैयार करने का कच्चा सामान देखकर उनसे 21,000 मास्क तैयार कराया। शिक्षक परिवार अजय साहू और उनकी पत्नी राठौर शशि ने बताया कि उन्होंने मास्क तैयार करने के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित किया। तैयार महिलाओं का एक समूह बनाया गया, जिसमें महिलाओं को मास्क तैयार करने का कच्चा माल मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। महिलाओं ने अपने अपने घरों में रहकर एक पखवाड़े के अंदर 21,000 मास्क तैयार किया। इस सहायता समूह की महिलाओं को मेहनत के बदले आर्थिक मदद भी किया गया है। हम जो है यहाँ पर मास्क की समस्या थी, इस मास्क की समस्या थी, लोगों को जो है सरकार ने भी अनिवार्य कर दिया है कि मास्क सभी लोग लगा कर निकले, इससे तभी बचा जा सकता है। तो इसलिए गाँव में जो महिलाएँ जो है बैठी थी और जो ये सिलाई का काम कर रही थी, तो हमने ये सोचा कि मास्क की समस्या भी है और बाज़ार में मिल भी नहीं रहा, तो इसलिए हमने जो है अपनी पत्नी सहायक अध्यापिका शशि के द्वारा जो है महिलाओं को इकट्ठा किया और उनको जो है कच्चा माल दिया जा रहा है, और वो प्रतिदिन 1,200 जो है मास्क तैयार करती हैं और उसको मैं वितरित कर देता हूँ।